हर हर महादेव फ्रेंड्स, जय श्री राधे। फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं जिनसे आप प्यार करते थे, जो आपसे भी प्यार करते थे, जी हाँ, आप रिलेशनशिप में थे पर किसी रीजन से ब्रेकअप हो गया है, आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाए, आपको सैड फील हो रहा है, आप उनको मिस कर रहे हैं ऑल द टाइम, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए है। मैं यहाँ आप सबके साथ छोटी सी टिप शेयर करूंगी जिसको यूज करके आप अपने एक्स को अपनी लाइफ में रिटर्न पा सकते हैं। और इसमें खर्चा कितना होगा? मात्र 50 रुपीज। जी हाँ, ओनली 50 रुपीज आपको खर्च करने अपने पॉकेट से, और किसी को देने नहीं है, मुझे भी नहीं देने हैं, खुद ही खर्च करने हैं। जो आइटम मैं बताऊंगी वो खरीद के लाना है और ये टिप को फॉलो करना है। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं बहुत अगेंस्ट होती हूँ कि अपने एक्स को रिटर्न लाने के लिए आपको कोई ऐसे उपाय करने चाहिए, कोई टिप फॉलो करनी चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या है ना, आप में से बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं, आप मेरे भाई भी, मेरी छोटी बहनें भी आती हैं मेरे पास और ना बोलती हैं कि दी प्लीज आई एम मिसिंग हिम सो मच, आई एम मिसिंग हर सो मच, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ तो उपाय बताओ कि वो रिटर्न आ जाए। और हम और साथ में ये भी बोलते हैं कि मैंने एक तांत्रिक को कंसल्ट किया जिन्होंने बोला 24 आवर्स में आपका लव रिटर्न आ जाएगा, मैंने पैसे खर्च किए, मुझसे पैसे लिए गए और मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को भी कंसल्ट किया, उनको भी पैसे दिए पर कुछ नहीं हुआ। ऐसी में ना चैट मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है, अगर कोई चाहे तो मैं उनको भेज भी सकती हूँ सारी चैट, आपकी जो कंप्लेन वाली चैट है। अब फ्रेंड्स, आप बेचारे बच्चे एक तो यंग हैं, ऊपर से घर से चोरी से मम्मी पापा के आप ये सारे उपाय भी करते हैं और फंस भी जाते हैं मेनी टाइम्स, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये टिप मैं आप सबके साथ शेयर करूं कि शायद आपके तो टिप वर्क कर जाए और आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आ जाए, आपकी लाइफ फिर से पहले जैसी हो जाए, पहले जैसे आप खुश हो जाए। फ्रेंड्स, एक बात आप समझिए, ट्रू लव क्या होता है। देखिए, जब आप किसी को प्यार करते हैं, किसी को पसंद करते हैं और अगर वो भी आपको लाइक कर रहे हैं, आपको लव कर रहे हैं ना, तो अगर आप में कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती है या ब्रेकअप भी हो जाता है तो थोड़े पीरियड के लिए होगा, ज्यादा ज्यादा 3 या 4 दिन के लिए होगा, या फिर 10-15 दिन से ज्यादा कोई आपको ब्लॉक नहीं रख सकता, ना आपसे बिना बात किए हुए रह सकता है। ये ट्रू लव में ऐसी चीजें होती हैं, तो आप इन बातों पे ध्यान दीजिए और समझने का ट्राई भी कीजिए कि क्या ये सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, या जस्ट किसी के लिए टाइम पास था। तो चलिए मैं आपके साथ टिप शेयर करती हूँ। देखिए, आपको क्या करना है ना, सावन का सोमवार आ रहा है, जी हाँ, आप नॉर्थ इंडियंस के लिए सावन का अंतिम सोमवार है, लास्ट मंडे है, तो आपके पास सोमवार का दिन है ये, या और आप बाकी सब जो महाराष्ट्रियन हैं, जो गुजराती हैं, आप सबके लिए तो अभी सावन का दूसरा सोमवार होगा ये, तो आपके पास अभी 2 सोमवार और बचे हुए हैं, टोटल 3 सोमवार हैं। करना क्या है आपको, आपको ना एक लिफाफा खरीदना है, जी हाँ, जिसको एनवेलप बोलते हैं, वो खरीदना है, किसी भी साइज का आप खरीद करके ले आए। अब आप जिनसे प्यार करते हैं, जो आपके एक्स हैं, अब प्लीज एक बात याद रखो, यहाँ पे ना अपने एक्स के लिए ही आप प्रेयर करोगे, ऐसा नहीं सोचोगे कि अरे यार मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है, यार मेरे फ्रेंड का बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है, काश वो मुझे मिल जाए, इसके लिए टिप फॉलो करो, तो मत करना यार, ये गलत बात है। अपने अपने के वालों के लिए, अपने वाली के लिए ही टिप ऑफ फॉलो करोगे, ठीक है। और वन साइडेड लव है तो अगेन मेरी अपील है, प्लीज मत करो ये टिप फॉलो, वर्क नहीं करेगी। आपने लिफाफा ले लिया, एनवेलप ले आया, आप किसी भी साइज का चलेगा, उसके अंदर क्या करना है, आपको एक पिंक कलर का या व्हाइट कलर का जो भी आपको छोटा सा पेपर मिलता है, जितना छोटा हो सके वो ले आइए, उस पे अपने एक्स का नाम लिखना है। बस याद रहे कि आप ब्लैक पेन यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, अदर कोई भी कलर की पेन चलेगी, उससे अपने एक्स का नाम आप उस पे लिखिए, और उसके बाद में आप उस कागज पे हल्की सी हल्दी लगा दीजिए, जिसे हम टर्मरिक कहते हैं ना, एकदम जरा सा टर्मरिक लगा दो, ठीक है। अब आप इसको उस एनवेलप में डालोगे और अंदर आप 2 लवंग भी डालोगे, जिसे हम क्लोव कहते हैं ना, जो मसाले में यूज होता है, ब्लैक कलर का होता है, उसके आगे फूल लगी होनी चाहिए, फूल वाली 2 क्लोव भी आपको अंदर डालनी है। आपने अंदर डाल दी, उसके बाद आप लिफाफे को किसी भी तरह से स्टिक कर दीजिए, ग्लू स्टिक लगा के स्टिक कर दीजिए, और इसके बाद में आपको इस लिफाफे को, आप अगर अपने घर में पूजा करें, आपको मम्मी पापा का डर नहीं है, देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिए, मम्मी पापा जो होते हैं ना वो हमेशा करेक्ट होते हैं, तो अगर आप तकलीफ में हैं, प्रॉब्लम में है ना, तो उनसे जरूर अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और उनको बता करके आप ये टिप फॉलो करें, वो नाराज नहीं होंगे, इवन देखना आप, वो आपको
हेल्प करेंगे, आपको समझाएंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। चुपचाप से समझ लेना आप यहाँ पे। अब फ्रेंड्स, अगर आप घर पे नहीं कर सकते हैं सब कुछ, तो आप ये टिप मंदिर में फॉलो करें, ठीक है। आप मंदिर में जाएं, भोले बाबा की पूजा करें जहाँ माता पार्वती भी हों, और वहाँ पूजा करने के बाद में मंडे की या फिर घर पे पूजा करने के बाद में आप इस कागज को माता रानी के या प्रभु जी के पैर के पास में रख देंगे। घर में कर रहे हैं तो आप ऐसे रखें कि आप उसको रोज रोज हिलाएं नहीं। आप मंदिर में कहीं ऐसी जगह रख दीजिए, उनको भगवान जी के पास रख के आधे घंटे के बाद उठा के उसको आप मंदिर में कहीं रख दीजिए, ताकि वो हिले नहीं, वहीं पड़ा रहे। और अगर आप किसी टेम्पल में विजिट कर रहे हैं तो वहां पे आप रख करके आ जाइए, ठीक है। पर ध्यान रखें कि आपको ज्यादा लोग देखे नहीं, क्योंकि कोई मिसयूज नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप पेपर रखते समय जस्ट आपने नाम लिखा हुआ है अंदर, तो आप सरनेम भी साथ में बोल देना, बोलना है, जस्ट आपको लिखना नहीं है। भगवान से प्रेयर करते समय, माता रानी से प्रेयर करते समय उनका पूरा नाम लेकर के सरनेम के साथ में बोल देना, वो आपके लाइफ में रिटर्न आ जाए। आप तो सब जानते हैं माँ, आप तो सब जानती हैं, मैं उसकी प्रिंसेस की तरह, राजकुमारी की तरह उसकी देखभाल करूंगा, हमेशा उसे प्रेम करूंगा। इस तरह से जो भी आपके मन में फीलिंग्स है ना, आप मेरी सिस्टर्स जिनको पसंद करती ना, उनका नाम लेकर के बोलिएगा। और अगर आप उनसे शादी करने वाले हैं, आप चाहते हैं आप उनसे शादी, आपकी उनकी शादी हो जाए, तो साथ में ये भी प्रे करिएगा कि आपकी शादी उनके साथ हो जाए। सच में सच्चा लव होगा तभी तो आप ये सारे वर्ड्स यूज करेंगे, नहीं तो ये सारे वर्ड्स कुछ यूज नहीं करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि भगवान के सामने तो हम झूठ नहीं बोल पाते ना, सारी दुनिया के सामने भले ही झूठ बोल लें, पर प्रभु जी के सामने तो पता है कि प्रभु जी सब देखते हैं, वहां तो हम झूठ नहीं बोल सकते। तो आप ये टिप फॉलो करें और पेपर वहीं रख के आ जाएं मंदिर में, या फिर घर में करें तो घर में ऐसे ही रहने दें। और उस दिन से आपको क्या करना है ना, एक मंत्र है उसका जाप करना है, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। जी हाँ, यहाँ आप माता पार्वती प्रभु दोनों के नाम एक साथ में आ रहे हैं, उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा जाप एक माला चाहे तो आप जाप कर लें इस मंत्र की, समय नहीं है तो 21 बार बोल दें बोल करके। और ये इसके बाद आपको ये जो मंत्र है ना, कंटिन्यू 21 डेज तक जपना है। आप डिसाइड कर लें आपको कितने बार जपना है, 21 टाइम जपना है या एक माला जपना है। हर रोज पूजा के बाद आप इस मंत्र को जपिए और प्रभु से अपने मन की बात कहिए, देखिए प्रभु की कृपा से आपके एक्स आपके लाइफ में रिटर्न आ जाएंगे। फ्रेंड्स, अब आप लोगों ने टिप फॉलो कर ली, मे बी आपके माइंड में पहले क्वेश्चन आए या फिर बाद में क्वेश्चन आए, ऐसा एनवलप में नाम लिख के रखने से क्या होगा, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके शेयर करूंगी। राजस्थान में गणपति बप्पा के टेम्पल है, जिनको हम चिट्ठी वाले गणपति बप्पा बोलते हैं। वहां पे ना लोग अपनी प्रॉब्लम जो होती है वो लिख करके भेजते हैं, या फिर किसी को, जैसे एक और अंदर एग्जांपल, जब किसी की शादी होती है घर में, तो हम सबसे पहले इनविटेशन कार्ड जो होता है ना, वो गणपति बप्पा को ही जा करके देते हैं। इसके क्यों देते हैं, क्या बप्पा को पता नहीं है कि घर में शादी है या फिर हम और भी लोगों को बुलाने वाले हैं, सब पता होता है। पर जब हम जाके सामने से अपने मन की बातें कहते हैं ना, तो प्रभु हैं, वो सुनते हैं बातें। इन द सेम वे ना, जब आप एनवलप में अपने एक्स का नाम लिख करके रखोगे और उन भगवान जी से, भोले बाबा से, माता पार्वती से सच्चे दिल से प्रेयर करोगे ना, वो जो आंसू आपके आंखों से गिरेंगे, वो जो मन से आपकी आवाज निकलेगी ना, वो बहुत जल्दी प्रभु तक पहुंचेगी और फिर प्रभु और माता अपनी कृपा करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिनका भी ब्रेकअप हुआ है ना, प्लीज उनके साथ शेयर करिए, उनके फेस की फिर स्माइल देखिए, खुशी देखिए। और आपके फीडबैक मेरे साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि मैंने ये टिप कभी फॉलो नहीं किया है, तो मुझे भी पता नहीं कि कितना रिजल्ट मिलेगा। आप टिप फॉलो करें और मुझे बताएं कितना रिजल्ट मिल रहा है, कैसा रिजल्ट मिल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।